ठीक है, नो नॉर्टन थेविनियन और एनीथिंग लाइक, है ना, जो भी जो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने कोई भी, ठीक है। मैं थर्ड ईयर में ड्रॉप कर दिया था, वैसे भी ब्रांच मैकेनिकल थी। और वैसे ही पढ़ के पास हुआ हूँ मैं लास्ट रात वाला। तो एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू लाइफ, रिलेटिंग टू एनीथिंग दैट आई हैव द एक्सपीरियंस, हर चीज़ का आंसर मेरे पास नहीं होगा, कुछ आप देना कुछ मैं दूंगा। सो एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू हैव। यस हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपके आपकी लाइफ में कितनी सारी सिचुएशंस आई जो लाइक आपके हिसाब से नहीं थी। तो लाइक जैसे आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी, ठीक है, आपने बड़े जोश से स्टार्ट करी वो चीज़, बट इवेंचुअली क्या हुआ, आप उस जगह पे आके स्टक हो गए, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, जोश आप में अभी भी है पर आपके समझ में नहीं आ रहा इसके आगे मैं क्या करूँ। तो सर उसे आप कैसे हैंडल करते हैं? ये तो होता है, हम सबके साथ होता है, बहुत बार होता है। जब हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया तो कॉलेज छोड़ के आए थे, तो हमको तो ये लगा था महीने का 15,000 मिल जाए तो बैंक लोन देते रहेंगे, 5,000-5,000, 10,000 घर पे दे देंगे तो इज्जत बच जाएगी घर में कि कम से कम बैंक लोन का पैसा नहीं ले रहे हो। तो 15,000 रुपये की जॉब मिली और फिर उन्होंने निकाल दिया जॉब से, क्योंकि क्लास में बहुत अच्छा पढ़ा दिया। इस पर भी निकाल दिया जाता है क्योंकि यू बिकम द मोस्ट वायरल टीचर ऑफ दैट कोचिंग, तो वो ओनर को बर्दाश्त नहीं होता अगर वो फिजिक्स का टीचर हो। तो फिर वहाँ से निकाल दिया गया पहली क्लास के बाद। यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन कराए थे सर, तो पहले ही होप टूट गई यहीं पे जो सोच के आए थे। फिर एक ये ना, यू कीप स्ट्रगलिंग, यू कीप नॉकिंग एवरी डोर, हर दरवाज़ा खटखटाओ कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो फिर एक छोटी सी कोचिंग थी इलाहाबाद में, तो यादव जी चलाते थे, उनका यादव जी नाम है, तो वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि 125 रुपये एक लेक्चर का, और जोड़ जाड़ के महीने के 5,000 बन रहे थे, ज्वाइन कर लिया, पढ़ाने को तो मिलेगा। फिर वहाँ पढ़ाया एक डेढ़ महीना पढ़ाया, फिर एक दूसरी जगह थोड़ा सा एक जगह बात हुई, उन्होंने कहा अपना खोल लो, तो फिर वहाँ खोला, फिर वहाँ पढ़ाया तो जादू होने लग गया, फिर वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया फिजिक्स वाला का, और फिर वो ग्रो करने लगा। फिर 2-3 साल बहुत अच्छा ग्रो किया, तीसरे साल ऐसा हो गया बैठने की जगह नहीं क्लास में, फिजिक्स के एकदम वायरल टीचर, एकदम अजीब सा टीचर है, टैटू है, टकला है, तो बहुत अच्छा प्ले होता है टकला भी, ठीक है। तो और बहुत क्राउड होने लगा क्लास के अंदर थर्ड ईयर में, बट ना थर्ड ईयर में यार क्या हुआ ना, जो आप कह रहे हो वही कि अलग पांडे इसलिए कॉलेज थोड़ी ड्रॉप किए थे, क्या हो रहा है यार, ये तो सैचुरेट हो गया। एंड एट दैट प्लेस ना, जो मैं बोला था फ्रेंड्स, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो फ्रेंड्स ना, आपको जेलेसी फील कराते हैं उस मोमेंट पे। क्या होगा ना, एक अच्छे कॉलेज में आने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि यहाँ से आप बाहर निकलोगे, हो सकता हो कोई अच्छी जॉब ले कोई खराब जॉब ले, पर 5 साल बाद देखना हर कोई बहुत तगड़ा करने लगेगा और वो आपको इंस्पायर करेगा, जेलेस करेगा और जेलेस करके इंस्पायर करेगा। तो मेरे साथ यही हुआ, 3 साल बाद मैं स्टक हो गया कोचिंग में, और मेरा ओनर बोल रहा है कि अगले साल तो भीड़ लगने वाली है। मैंने कहा इस भीड़ से कुछ हो नहीं रहा यार, कितना ही बच्चा पढ़ा लेंगे क्लासरूम के अंदर। और एक चीज़ ये भी होती है कॉलेज ड्रॉप आउट का, तो होता है ना कि बिल गेट्स बनना है सबका सपना हो जाता है, तो और लोगों की एम भी होती है कॉलेज ड्रॉप आउट, तो वहाँ पर मैं स्टक हो गया था। 4th साल आया मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया पढ़ाने में, और 4th साल में ऑफकोर्स फिर स्ट्रेंथ ज़्यादा थी एंड आई वॉज नॉट टीचिंग एट माई फुल पोटेंशियल, तो मैंने कहा मैं इसको अब गिवअप कर रहा हूँ, और दिस इज़ अ स्टोरी दैट आई नेवर टेल। तो फिर मैंने अब कहा कि अब मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, तो ग्रेजुएशन नहीं किया था, तो फिर हमने इग्नू में इनरोल किया ग्रेजुएशन करने के लिए, और सपना बनाया कि UPSC का एग्ज़ाम देंगे। सेविंग थी मेरे पास 12 लाख की, तो मैंने 12 लाख को डिवाइड किया 3 साल, 4 लाख का पैकेज है अलग पांडे, ठीक है 4 लाख हर साल रहेगा तुम्हारे पास, 3 साल लगेंगे, 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो इग्नू से किताबें आ जाती है घर पर, आई होप आप लोग के घर ना आए ऐसा कुछ ना, सो दैट्स नॉट गुड थिंग। तो इग्नू से किताबें आ गई घर पर, और फिर पढ़ना स्टार्ट किया, और फिजिक्स से कर रहे थे BSc, तो BSc हो जाएगी। पर वही बोलते हैं ना, वो दिल माने कहाँ, तो कमबख्त दिल माने कहाँ। तो फिर रूम में वाइट बोर्ड लगा था, शूट करने लगे लेक्चर साइड से, लेक्चर शूट करके रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया। और इस बीच एक चीज़ और हुई कि UPSC तैयारी के बीच में, जैसे आप बोल लो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो यू नीड योर मी टाइम अ लॉट, वी ऑल नीड अ मी टाइम, और इस टाइम सोशल मीडिया में तो वी नीड एक्चुअली नीड अ मी टाइम। तो मैं ना ब्रेक लेके चला गया था उत्तराखंड, एंड फॉर गुड 3 मंथ्स मैं उत्तराखंड में एक किराए के घर पे रहता था, लोगों से कम्युनिकेशन कटा हुआ था, और वहाँ पे फिर डायरीज में अपनी चीज़ें लिखता था और ये सारी चीज़ें करता था और स्मार्ट बोर्ड पर लगता। और पता है क्या होता है कि आपको जैसे आपको भी लगता होगा ब्रेक चाहिए लाइफ में ना, कई बार लगता होगा ब्रेक चाहिए इस पढ़ाई से, इस कॉलेज से, इस सोशल मीडिया से, सबसे ब्रेक चाहिए। बट व्हाट हैपेंस कि जब आप ब्रेक लेते हो ना, 1-2 महीने बाद वापस चुलंदर आ जाती है। तो मैंने वो ब्रेक लिया, 3 महीने बाद मुझे लगा लेट्स गो बैक,
लेट्स डू समथिंग न्यू, अब ऐप लॉन्च करते हैं या आप चलते हैं, सॉरी आप वीडियो बनाते हैं YouTube पे चलते हैं, तो ये कैसी इंप्रेशन पड़ेगी, बड़ी रहेगी कि YouTube पे भी बनाने लगे, फिर दो साल बाद फिर वही हाल हुआ जो आप बोल रहे हो, अब YouTube सैचुरेट हो गया, करते करते दो साल 11th पढ़ा दिया 12th पढ़ा दिया, अब क्या करें फिर से पढ़ाएं, तो ये सिचुएशन हमेशा लाइफ में आती रहती है, छोटे मोटे हम लोग ब्रेक लेते हैं अपने आप वापस पुश होता है, द थिंग इज दैट यू कीप नॉकिंग द डोर, कीप नॉकिंग द डोर, कीप नॉकिंग द डोर, तो इसमें कोई ऐसा कुछ गलत नहीं है कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आप फंस जाओगे, जो आप चाह रहे हो जोश ठंडा हो जाता है, सबके साथ होता है जोश ठंडा, ब्रेक ले लो कुछ और ट्राई करो, जैसे मेरा सपना एक्टिंग का है अभी भी है, मेरा गया नहीं, मेरा अभी भी, मैंने सोचा है कि जब मैं फिजिक्स वाले से रिटायर होऊंगा तो किसी मूवी में साइड रोल कर लूंगा, हाँ या प्रोड्यूस कर लेंगे तो पैसा तो है ही है तो मूवी बना देंगे, सो जस्ट दैट आई एम टेलिंग कि यू कीप नॉकिंग द डोर, आई थिंक द लेसन इज की बी कंसिस्टेंट एंड कीप नॉकिंग द डोर, और ये मैं खुद से बहुत बोलता था, वही बोलते भी थे सेट टी इज इक्वल्स टू जीरो, सेट टी इज इक्वल, जब भी फेल हो सेट टी इज इक्वल जीरो, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि किसी का भी ऐसे सीधा नहीं चलता है ना, सभी का ऐसे नीचे जाता है ऊपर आता है होता रहता है, बट द थिंग इज दैट जब भी रियलाइज हो फिर वापस एक बार हिट मारो, जब भी रियलाइज हो फिर वापस एक बार हिट मारो एंड कीप डूइंग इट, और क्या, देयर इज नो सीक्रेट टू इट, यस गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून, आई हैव नॉट एनी क्वेश्चन, आई हैव अ रिक्वेस्ट, ओके, कैन यू प्लीज से दोज टू मैजिकल वर्ड्स विद फुल एनर्जी, हेलो बच्चों, प्लीज सर, ओके दैट्स गुड, खड़े होना पड़ेगा यार, आई डोंट डू इट लाइक दैट, हेलो बच्चों, आज तुम भी बोल दो 3 मैजिकल वर्ड उनसे इसी बात पे, सो क्वाइट गुड एनवायरनमेंट ओवर हियर, सर क्वेश्चन पूछने से पहले मेरा नाम सफल राज है एंड आई लव यू टू, बस मेरी होने वाली बीवी ना, सर क्वेश्चन ये है कि सर मन थोड़ा सा भटक रहा है, मतलब कभी यूपीएससी करने का सोचता हूँ, फिर कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्ट आ जाता है, इलॉन मस्क टेस्ला, कभी रोबोटिक्स, सर तो एक जगह मन रुक नहीं रहा है, हाँ सही है, तो कॉलेज में होना चाहिए ना, अच्छी बात पता है क्या तुम्हारे बारे में, कि तुम ये सब सोच रहे हो, जब तुमने बोला मन भटक रहा है मैं तो कुछ और ही सोचा और वो होता तो मैं ज्यादा खुश होता, खैर एनीवेज नहीं तो अच्छा है बेटा, अभी तो मैं अभी क्या ही सुनाया कि पढ़ाएंगे ऑफलाइन, पहले इंजीनियरिंग करेंगे, पढ़ाएंगे ऑफलाइन में, यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे, बीएससी कर लेंगे, चलो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, अच्छी बात है ना, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें सोच रहे हो और मन भटक रहा है, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट एंड दिस इज द टाइम दैट यू शुड एक्सप्लोर इट, अभी किस चीज़ से डर रहे हो, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर कॉलेज, फाइनल ईयर को नहीं बोलूंगा तो उनका तो अलग डिप्रेशन होता है, तो एनीवेज सो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर आईआईटी में तो प्लेसमेंट हो जाता है, एनीवेज हाँ सो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कॉलेज में इट्स अ टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट एंड यू शुड डू इट, करो चीजें, कोई दिक्कत नहीं, पता है तुम बहुत अच्छी बात की तुमने, तुम्हारा ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, यूपीएससी में इंटरेस्ट है, अच्छी चीजें है ना, ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ क्लिक करेगा इसमें से, कीप ट्राइंग, देयर इज नो हार्म इन इट, और मुझे लगता है कॉलेज में अकबर टाइम तो बहुत होता है और घर पे हम लोग बहुत जोर बहुत पढ़ाई है, सेमेस्टर है अगले महीने, अगले महीने का कौन पढ़ता है यार, सो टाइम बहुत होता है, और अच्छी चीज़ है कि ऐसे डिस्ट्रैक्शन आप पाल लो, जिन्होंने नहीं पाले हैं प्लीज़ पाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे डिस्ट्रैक्शन कॉलेज में पालने के, क्योंकि आगे लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना टफ है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज डूइंग अ गुड जॉब, अर्निंग लाइक 30 LPA विच इज़ अ गुड सैलरी, बट एज 30, नो ही कैन नॉट, मतलब ही कैन बट ही इज़ नॉट डेयरिंग टू डू एक्सपेरिमेंट विद हिज लाइफ, इवन आई एम स्टैंडिंग बिसाइड हिम, बट ही इज़ ऑफकोर्स जमीर है उसका, तो एक्सपेरिमेंट करने की तब एज नहीं होती, तब मन भी करता है, तो अभी तो करो यार, फेल फास्ट, अभी तो खूब एक्सपेरिमेंट करो, जो भी सीखना है सीखो, तेजी से गिरो, अपने आप क्लियर हो जाएगा, इट्स गुड, थैंक यू सर, इट्स गुड, Maybe I'm the odd one out over here because I'm not an IIT and I'm a 12th student now. I have to appear for JEE next year. पहुँची कैसे हैं? Sir,
सर मैं फैकल्टी की बच्ची हूँ. ये ओके विद दैट कोटा यस. सर मैं क्या ही बोलूं सर, अगले साल हमारा एग्जाम है. सर आप बोल रहे हैं कि आईआईटी नहीं निकलेगा तो मत दुखो सर, वो पेरेंट्स को समझाइए ना, हमें क्या समझा के करेंगे. ओके सर पापा मम्मी कोई नहीं आया है. ओके फाइन, इसीलिए तो बोल पा रही हूँ, उनके सामने मुंह नहीं खोलता. रिकॉर्डिंग तो हो रही है. नाम क्या बेटा आपका? अनुष्का. और पेरेंट का? पापा का. हाँ. योगेश मनी त्रिपाठी. योगेश सर पीटो, जेई की तैयारी नहीं करना चाहती है. सर मैं यहाँ आने के लिए ना घर से झगड़ के आई हूँ. अरे बाप रे. कि मतलब वो बोल रहे अभी तुम्हारा टाइम नहीं है बैठ के पढ़ो. नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है. मतलब ऐसे क्या करना है तुम्हें? सर मुझे ना क्या करना है ना सर, बस इंजीनियरिंग करना है और कुछ नहीं करना है. तो फिर क्या दिक्कत है आईआईटी क्रैक करने में? सर मेरा पैशन मैथमेटिक्स में है ज्यादा. तो आईआईटी जाओ, कि उसमें क्या दिक्कत है? सर पता चले रैंक खराब मिल जाए, कुछ भी स्ट्रीम मिल जाए नहीं पसंद है, दो साल उधर बर्बाद करेंगे उस स्ट्रीम को लेने में. सर वो टाइम बर्बाद ना नहीं करना. पीछे की रैंक पे मैथ्स मिल जाती है, लॉजिकली पीछे की रैंक पे मैथ्स मिलती है. सॉरी है यहाँ कोई मैथ्स वाला हो तो, मेरी तो रैंक ही नहीं है. देखो हम समझ रहे हैं, तुम ये कह रहे हो कि प्रेशर बहुत होता है, पेरेंट्स समझते नहीं है. तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, पेरेंट्स को वीडियो दिखा देना. देखो कोटा खत्म. एक मिनट बस. नंबर नहीं मिलेंगे योगेश सर से? हाँ. उसका माइक छीन रहे हो तुम लोग. सो देयर इज अ स्मॉल स्टोरी, अभी कल भी मैंने सुनाई थी. दिस इज द एक्चुअल स्टोरी. आई विल चेंज द सर नेम, ठीक है? रियल नेम नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है. सो देयर इज अ पर्सन नेम सर्वश्रेष्ठ पांडे, नाम चेंज कर लेते हैं. मैंने अभी कल ही सुनाई थी स्टोरी. सो सर्वश्रेष्ठ पांडे इज वेरी गुड इन स्टडीज, वेरी गुड. पेरेंट्स चाहते हैं कि वो सबसे फाड़ू बने. उसने क्रैक किया सबसे बड़ा एग्जाम, दैट इज नॉट एज टफ एज आईआईटी बट अ बिग एग्जाम. सो उसने क्रैक किया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल यूजी प्रोग्राम के लिए. एंड सर्वश्रेष्ठ पांडे बहुत हार्डवर्क करके चला गया यूएस. तीन साल, ये पेरेंट्स को दिखाना, तीन साल वो यूएस में था. चार साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम था, यूजी प्रोग्राम था. और चार साल में वो तीन बार इंडिया आ पाया. और सर्वश्रेष्ठ अपने कॉलेज का टॉपर, स्कूल का टॉपर था. और जब यूएस में गया तो वो टॉपर नहीं रहा, क्योंकि उस बिजनेस स्कूल में जैसे आप लोग साथ हुआ आईआईटी में आने के बाद, सब अपने अपने कोचिंग के सुरमा थे. और यहाँ पापा पूछते हैं पापा की रैंक क्या आ रही है. मेरे पापा बीटेक में फर्स्ट टाइम पूछ रहे हैं बेटा रैंक क्या आ रही है. अरे पापा यहाँ रैंक वैंक नहीं होता, हो गया अभी पीछे पड़े हो, रैंक क्या खत्म करो. आप लोग भी ऑफकोर्स पूछते ही होंगे किसी जेपी के साथ रैंक क्या चल रही है क्लास में, तो बोलते हो बस छोड़ दो मैं रैंक. तो सर्वश्रेष्ठ को लगा कि वो कॉलेज जाके भी ऑफकोर्स ऐसा मिरेकल करेगा. तो उसके पापा ने पूछा रैंक क्या आ रही है, उसने बोला पापा यहाँ सब मेरे ही जैसे हैं, तो यहाँ क्या रैंक आएगी, वी ऑल आर इक्वल. और बड़ी मुश्किल से पास होता हूँ किसी तरह से मैं यहाँ. और इस पे हंसे तुम लोग दर्द. तो प्रतीक भाई के भी पॉइंटर खराब थे, इज नाउ को फाउंडर सो यू कैन. हाँ ओके. सो चार साल बाद सर्वश्रेष्ठ के पापा ने उसको चार साल पहले बोला था कि सर्वश्रेष्ठ ये बिजनेस स्कूल क्रैक कर लो, उसके बाद लाइफ. फिर उसने बोला चार साल में पापा ये बहुत दिक्कत है यहाँ, तो मैं घर आना चाहता हूँ. तो उन्होंने बोला कि चार साल अच्छे से ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद लाइफ. अब इसके बाद सर्वश्रेष्ठ की लग गई जॉब एक बहुत बड़ी कंपनी में. सो यहाँ तो नाम बोल देते हैं, सैंड गोविंद में लगी थी, ठीक है? तो यहाँ आती है क्या, तुम लोग अलाउ नहीं करते होगे क्लास. सो एनीवेज, सो एक अच्छी कंपनी में उसके करोड़ के पैकेज लग गए. यूएस में करोड़ के पैकेज बहुत ज़्यादा नहीं होते, मैं तुमको ये भी बता दूँ, क्या फिर भी अच्छा होता है. सो उसके करोड़ के पैकेज लग गए और सर्वश्रेष्ठ ने जॉब स्टार्ट की. अब एज यूजुअल जॉब में भी उसके पास बहुत कॉम्पिटिशन था और उसके जैसे लोग यहाँ थे. तो उसने बोला पापा मैं वापस इंडिया आऊँगा. पापा ने बोला बेटा अभी तू इंडिया आएगा तो बगल वाले सब कहेंगे कि भाई पांडे जी का बेटा तो फेल हो गया एक तरह से, मतलब नौकरी नहीं कर पाया, इतना पैसा लगा के आप पढ़ाए नौकरी नहीं कर पाया, भाग आया डर गया कि बेटा जाओ नौकरी कर लो. बोला ठीक है. उसने खूब मेहनत की और 20-20 घंटे की जॉब, एकदम हालत ख़राब ऐसा था उसका, ऐसा कुछ ऐसे उसके स्टेटस थे. वो खुद भी कंपटीशन में था, ऐसा नहीं था कंपनी उसको फोर्स कर रही थी, उसको खुद कंपटीशन था लोगों से कि मुझे कॉम्पीट करना है आगे बढ़ना है. फिर उसने कुछ दिन बाद पापा को बोला कि पापा मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आके गंगा नहाना है और मुझे लाइक अब घर आके काम करूंगा और मेरे को इंडिया में 50 लाख की जॉब मिल गई है, विच इज़ वेरी गुड इन इंडिया, इट इज़ गुड. तो
उसके पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो, एक साल नौकरी कर लो, इज्जत बच जाएगी, क्योंकि समाज में इमेज है, हम कहेंगे एक साल बाद तुम छोड़, कम से कम एक साल तो कर लो। सचिन का पापा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बोले कि बेटा एक साल की बात है, उसके बाद यहाँ आ जाना फिर लाइफ। फिर सर्वश्रेष्ठ ने एक साल हुआ नहीं, एक दिन फ़ोन किया, पापा मेरे को घर बुला लो, नहीं हो पाएगा, यहाँ मर जाऊँगा, ऐसा वैसा। पापा इमोशनल हो गए यार, क्योंकि पापा लोग ये नहीं सुन सकते कोई बेटा बोल दे तो। उन्होंने कहा बेटा तू कल घर आ जा। सर्वश्रेष्ठ ने अपना रेजिग्नेशन डाला, कंपनी ने बोला 3 महीने का नोटिस पीरियड है, यू कैन नॉट लीव लाइक दिस। 1 month लेटर सर्वश्रेष्ठ ने सुसाइड कमिट कर लिया। सो दिस इज फॉर ऑल द पेरेंट्स, जो भी जिनको आप ये वीडियो दिखाना चाहते हो, कि डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योर किड, वो अच्छा करेंगे, उनको फ्रीडम दो। सर एक सजेशन चाहिए था बस, बोलो। ये चाहिए था सर, जैसे कि ना मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है आईटी करने का, और ज़बरदस्ती कराया जा रहा है वो तो पता ही है मुझे, तो ये कि मतलब सर मैं बताना चाह एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि कह रहा है मेरा पास्ट सर जैसे कि ना मैं अपने जब किसी को भी जैसे टीचर किसी को बताती हूँ, जैसे कि मेरे पास ओलंपियाड से टोटल 15 मेडल्स है, और वो भी बहुत हाई लीप वाले हैं। इनफैक्ट मैं स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ, तो मुझे सब बोलते हैं कि तुम बाहर अप्लाई करो तुम्हारा। और इनफैक्ट सर मैं जैसे मैंने इस साल ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ एग्जाम दिए थे तो मेरा हो गया, तो कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है 16 सितंबर को, तो मेरे पास उसका भी सर्टिफिकेट। तो मैं पापा को बोलती हूँ यार मैं इतना ये सब क्यों कर रही हूँ आई टी ताकि मेरा क्या इसका फ़ायदा क्या होगा, मैंने इतने ओलंपियड्स, मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज दो। एक काम करो पापा से बोलो आई टी की तैयारी हम कर रहे हैं और अपनी लाइफ जीते रहो। सर वो ना प्रोफेसर के ना केस में ऐसा नहीं होता। सर ना वो लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मैं आई टी हूँ ना, मेरा बच्चा आई टी एन बनेगा, उसका बच्चा आई टी एन बनेगा, यही चलता है, कुछ उससे ज्यादा नहीं सोचते हैं। एक और चीज बोला था, यहाँ जितने भी कोई भी मेरे पापा को नहीं बताएगा कि मैं ठीक है। ये क्वेश्चन था कि मन की भड़ास बाप रे। सर एक छोटा सा सवाल था, सब कुछ बताया आपने। सर मनीष राज सर वन ऑफ द मोस्ट वायरल टीचर ऑफ। अरे सर थैंक यू। थर्ड वोमेन जो आपके लाइफ में है बबीता जी उनका एंट्री कैसे हुआ और अभी क्या स्टेटस है? तो वन ऑफ माय फ्रेंड इज देयर, हिज नेम इज अनुराग, तो वो पुणे में है और मेरे बहुत ब्रेकअप हुए हैं, हम सबके होते हैं, तो अगर हो रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। और उन ब्रेकअप के बाद देवदास बन रहे हो तो भी इट्स ओके, और कबीर सिंह बन रहे हो तो भी इट्स ओके। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बिलीव इज कि दिस टू शैल पास, एंड ब्रेकअप्स आर रियली हार्ड ब्रेकिंग लाइक एनी थिंग, है ना। कुछ लोग रोने लग गए साइड में, हाय दर्द मेरा। तो या आई हैड कपल ऑफ बैड ब्रेकअप्स इन लाइफ, एंड आई फेल इन लव विथ टू मुस्लिम वुमेन वन आफ्टर अनदर। तो कहते हैं कि इंसान एक बार गड्ढा देख के सीख जाता है, तो आई वॉज लाइक फिर से ट्राई करते हैं। And to be very honest, the thing was ki Hindu Muslim ki shaadi nahi ho sakti, I can say it here, and it happened from the girl side, not from me, I was ready. So then I was like ki mere ko ab life mein ye sab nahi karna hai aur ab isme nahi padhna hai. And to be very honest, the first two girls I met were not actually my love. Reason main bataun, reason ye tha, kai baar na hum log pyar karwate hain khud ko कि यही है चलेगा, जिससे एक तो लड़कों का जिससे बात हो गई उसी से प्यार है, मैटर ही खत्म, ज़्यादा चॉइस तो होता नहीं है, है ना। हाँ मेरा दोस्त है तुषार सर का, उससे पूछो कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, बोलता लड़की उससे पूछो कैसी गर्लफ्रेंड, कहता लड़की हो जाए। सो तो अपन भी वैसे ही बच्चे थे, तो जो भी बात कर लिया, जो भी थोड़ा प्यार से अलग को आलू बोल दिया, उसी में खुश हो गए और प्यार हो गया, तो ऐसा चला। बट देन मैंने डिसाइड किया अब नहीं करनी है यार, अब शादी नहीं करनी है। कई लोग ने किया होगा यहाँ, अब नहीं करेंगे शादी, अब सिंगल रहेंगे, अब सिंगल रहेंगे, और सारे प्यार करने वालों गाली देंगे, मार देंगे उनको। सो ऐसा हो गया था। बट देन मेरा फ्रेंड अनुराग सिन्हा, उसके ऑफिस में आई मेट अ गर्ल, सो शिवानी, एंड
फिर उनसे बात हुई, फिर वो मेरे को आइडियाज़ देना स्टार्ट किए, एंड द डे वी मेट फर्स्ट टाइम उसी दिन फिर शाम का उनका फ़ोन आ गया हम लोग के पास, एंड शी वॉज नॉट दैट नोन की हु एम आई नॉट, मतलब थोड़ा वो आईटी सेक्टर से तो उन लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आता, दो भाव भी नहीं देते इतना, है ना, जब लोग फोटो खिंचवाते तब उनको लगता है ना, तो ऐसे लोग के सामने हम लोग चार पांच एक्स्ट्रा लेके जाते हैं फोटो खिंचवा जाते ठीक है। सो शी वॉज नॉट दैट नोन, तो फिर उस रात ही उन्होंने फिर फ्रेंड से लेके मेरे को कॉल किया, फिर बोला तुम अलक पांडे हो, हमने कहा हाँ, अरे मैंने अभी देखा तो यूट्यूब चैनल, हमने कहा हाँ दैट इज़ ट्रू। फिर उसी दिन हम लोग की बात होनी स्टार्ट हुई, और उसी रात पे फिर मैं उस टाइम पे एक टी शर्ट डिज़ाइन करा था, मैंने उनसे आइडिया मांगा यार टी शर्ट बना रहा हूँ मैं बिजी हूँ अपने काम में, या तो फ़ोन रख दो, तो उसने बोला नहीं नहीं टी शर्ट दिखाओ, तो ये पहली लड़की थी जिसने ये नहीं बोला कि रात को एक बजे क्यों काम करते रहते हो, सो जाइए थोड़ा थोड़ा आराम करिए, इतना काम कौन करता है, खाना खा लीजिए, उसने बोला क्या बना रहे हो दिखाओ, तो हमने फोटो खींच के उसको दिखाया, इवन वी शेयर्ड स्क्रीन, तो स्क्रीन शेयर किया और फिर उसको दिखाया, तो उसने मेरे को वहीं पे आइडिया देना स्टार्ट किया, यार इसमें तुमने, मैंने लिखा था तेरा भी कटेगा फिर तू भी फिजिक्स पढ़ेगा, तो आगे लिखा था तेरा भी कटेगा पीछे फिर तू भी फिजिक्स पढ़ेगा, तो उसने बोला तेरा में ना तुम 1-3 लिख दो, थोड़ा सा ये यूनिक लगेगा टी आर ई की जगह, मैंने कहा मिल गया प्यार मुझे जीवन का, मेरी थॉट चेंज, मैंने कहा क्या क्रिएटिव बन दी यार, ये थॉट दे रही है पहली कॉल में और डिस्टर्ब नहीं कर रही है, एंड देन शी स्टार्टेड गिविंग मी सजेशन, सो आई गॉट अ पीडब्ल्यू टीम मेंबर विदाउट सैलरी, सो मैंने कहा कि शादी कर लेते हैं, नहीं इट्स नॉट लाइक दैट, तो फर्स्ट 6 डेज में हम लोग को लग गया था कि हाँ ये चलने वाला है ये होने वाला है, एंड देन वी टॉक टू पेरेंट्स एंड पेरेंट्स वर ओके, क्योंकि हम दोनों पंडित थे और कोई बात नहीं थी, लव मैरिज इंडिया में पॉसिबल है, बस सेम कास्ट में और सेम रीजन में डिफरेंट गोत्र में देख लो किसी को प्रॉब्लम थोड़ी होती है ना, सो बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बस, है ना, हाँ गोत्र भी अलग होना चाहिए, वो भाई बहन तो हाँ, उनके पापा का था कि लड़का पंडित होना चाहिए, हमारे एरिया का होना चाहिए, और हर पेरेंट्स का होता है जॉब होनी चाहिए, तो बस तो फिर हो गया बात बन गई, तो ठीक ठाक ऐसा हुआ, सर को भी नहीं पता था एक्चुअली मैंने एंगेजमेंट बहुत छुप के कर ली थी, किसी को नहीं पता था, बहुत छुपी चोरी, फिर उसके वीडियोज़ बाहर आ गए, एंड वी वर एट द स्टूडियो, सो एम आर सर ने एक फ़ोटो दिखाई मेरे को, और उसमें मैं था और शिवानी थी, कैसे रही देखी कुछ फ़ोटो घूम रही है, तो और भी टीचर्स लोग थे, तो सबने बोला नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, किसी ने मॉर्फ करके, हमने हाँ हाँ मॉर्फ है मॉर्फ है, और उस टाइम मेरे हाथ कांप रहे थे कि पकड़े गए फाइनली पकड़े गए, तो फिर उसके बाद से 3-4 दिन बाद एक्सेप्ट कर लिया, सो दैट इज हाउ इट हैपेंस, सो पर्सनल स्टोरी एनीवेज, अभी तक किसी आंसर भी नहीं, तो ताली आपने HBTU से अपना कॉलेज किया था 3 साल में आपने ड्रॉप छोड़ दिया कंप्लीट नहीं किया, हाँ तो मैं ये कहना चाहता था जैसे हम कॉलेज लाइफ में हैं तो इस समय हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम अच्छा भी करते हैं तो कुछ में कुछ ज़्यादा अच्छा करते हैं कुछ बैड होता है, तो जो बैड होता है उसमें बड़ा डिमोटिवेशन होता है, उसके साथ साथ हम जहाँ अच्छा कर रहे होते हैं हम वो भी नहीं कर सकते, तो जो फियर रहता है बैड होने का या तो हम उसे परमानेंटली छोड़ दें कि भाई मैं इस फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे इसी में कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है तो वो मैनेज नहीं हो पाता, तो ऐसा कोई टिप्स है जिससे कि हम दोनों मैनेज कर सकें इन केस ऑफ एनी पर्टिकुलर वन, तो सर ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि अब एक चीज़ अच्छी चल रही है लाइफ में एक चीज़ ख़राब चल रही है, सारी चीज़ें एक साथ अच्छी नहीं हो रही हैं, कुछ जगह अच्छा हो रहा है कुछ जगह ख़राब हो रहा है, सो दैट हैपन्स, एंड हमें लगता है देर इज मोर गुड देन बैड इन दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू बिलीव इन दिस, अब ये बात कितनी सच है मुझे नहीं पता, बट यू हैव टू बिलीव इन दिस दैट देर इज, आप हर सुबह जब आप उठते हो तो आप ये सोचो कि देर इज मोर गुड इन दिस लाइफ देन द बैड थिंग्स, टूडे यू आर सिटिंग इन IIT, यू हैव क्वालिफाइड इन एंट्रेंस एग्जाम, यू हैव ऑल द एसेंशियल बॉडी पार्ट्स, यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजीज, मतलब सच अ गुड लाइफ वी हैव, सच अ गुड लाइफ, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि इफ़ यू वॉन्ट टू सी पेन एंड इफ यू वॉन्ट टू सी प्रॉब्लम जस्ट गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक दिन वहाँ गुजारो आप, देन यू विल सी कि क्या पेन है लोगों की ज़िंदगी में, क्या दर्द है, अलग लेवल का है भाई, ज़मीन पे पेशेंट पड़ा हुआ है, सामने पड़ा हुआ है, वहीं इंजेक्शन लग रहा है, बगल से कुत्ता टहलता हुआ चला जाएगा उसके, इस लेवल पर उसकी हालत हो गई है, तब आपको अपनी लाइफ में अचानक से अच्छी लगने लगती है, देर इज़ नो डायरेक्ट सोल्यूशन टू दिस, इसमें यही है आपको ये सोचना है, देखो क्या है ना कि क्या बोलते हैं नेगेटिविटी इज कॉन्टेजियस, है ना कि चार दोस्त गॉसिप कर रहे हैं तो लड़के भी बहुत गॉसिप करते हैं, खैर हम भी करते हैं,
तो चार दोस्त गॉसिप कर रहे हैं तो अपन भी उसमें घुस जाते हैं और उस गॉसिप में किसी इंसान की बहुत बुराइयां चल रही हैं, मजाक चल रहा है कर रहे हैं. सो द वन वे इज कि अपन घुसें उसमें, गॉसिप्स करें और वो मजे लें उसके, है ना, बट अल्टीमेटली उससे कुछ नहीं मिलेगा. द अदर वे इज कि उस ग्रुप में घुसें और पॉजिटिव बातें करें, अगर लोग सुनते हैं तो ठीक है, वरना वहां से बाहर आ जाएं, है ना. तो यार नेगेटिविटी हर चीज, जैसे आपकी लाइफ में कह रहे हो एक चीज अच्छी चल रही है एक चीज खराब, तो एक वे है कि आप उसके बारे में बहुत सोचो कि खराब चल रहा है. एक वे आप ये देखो, देयर इज मोर गुड दैट आई एम डूइंग एंड देयर इज मोर गुड दैट विल हैपन इन फ्यूचर, और मुझे लगता है टाइम के साथ ही चीजें सारी सही होंगी, है ना. ऐसा कोई रैंडम अचानक से कोई चीज सही नहीं हो जाएगी. कीप वर्किंग. सो दैट्स इट, आई थिंक वी शुड कंक्लूड इट. थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एलेक्स.